चुनाव की मतगणना गुरुवार को होगी। बाड़मेर लोकसभा सीट की मतगणना का कार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगा। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बुधवार को पीजी महाविद्यालय में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों ने मतगणना स्थल का दौरा कर जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से पीजी महाविद्यालय के बाहर दोनों छोर पर बैरिकेडिंग लगा रास्तों को डायवर्ट किया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 मई को सुबह 8 बजे के बाद से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जिले की 7 विधानसभाओं में वोटों की गिनती के लिए 143 टेबल सज कर तैयार हो गए हैं। 100 टेबल ईवीएम जबकि 43 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए लगे हैं। हर टेबल पर सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, गणना सहायक संग एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी लगाया गया है। जिले में 29 अप्रैल को मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को मतगणना स्थल पर बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स संभाल रही है। मतगणना के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। निर्वाचन विभाग की माने तो मतगणना के लिए सैकड़ों कार्मिक लगाए गए हैं। 23 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके पश्चात ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के 5-5 बूथों के वीवीपैट के पर्चों की भी गिनती होनी है। ऐसे बूथों का चयन मतगणना स्थल पर लॉटरी के माध्यम से होगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की त्रिस्तरीय सुरक्षा के साथ मतगणना संपन्न होगी। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को केंद्रीय वृद्धिचंद बस स्टैंड और ओवरब्रिज के पास से बैरिकेटिंग कर डाइवर्ट किया गया है।